हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सारे। आई होप करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं तो विजर्ड और होगलर क्लोन को वहाँ से एस्केप किसने करवाया और होगलर क्लोन कहाँ पर है, उसे किस तरीके से किडनैप करके रखा गया, आज की वीडियो में बताऊँगा। सो वीडियो के एंड तक के देखना। और आप लोग को पता होगा, रिसेंट वाली वीडियो को देखने के बाद हमें पता चला होगलर क्लोन को टेलीपोर्ट वाले चैम्बर से टेलीपोर्ट किया तो नहीं आया, मतलब उसे कुछ अच्छे से प्रिजन में बंद करके रखा है। तो कौन से प्रिजन हो सकता है आज की वीडियो में आपको दिखाऊँगा। बेसिकली मैं जो बताऊंगा थ्योरी है, तो सच भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो वीडियो के एंड तक देखना और चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरे थ्योरी के हिसाब से सिर्फ दो ही बंदे जो थे वहाँ से एस्केप करवा सकते हैं। पहला जो कि थे हुला दादा, पर हुला दादा ने नहीं किया होगा मेरे हिसाब से। और जो दूसरा बंदा है वो है ग्रीन डेविल और रेड डेविल, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ड्रीम बॉय की वीडियो आप लोगों ने रिसेंट में देखा होगा, उसके अंदर ग्रीन डेविल और रेड डेविल का वहाँ पर ना क्या बोलते मूर्ति बनाया हुआ था। तो मेरे हिसाब से ग्रीन डेविल और रेड डेविल ने ही उसे वहाँ से एस्केप किया होगा। और आप लोग को पता होगा उसके वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा मायावी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उस टेलीपोर्ट वाला होता है ना, ट्राई पोर्टल वाली जगह, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मायावी चीज़ होता है। मतलब कि मुझे लगता है कि वहीं पर ही उसे किडनैप करके रखा होगा होगल अलग के क्लोन को। और क्योंकि दो बंदे थे तो एक बंदे उसे किडनैप किया होगा और एक बंदे ने उसे एस्केप किया होगा, मेरे ओपिनियन के हिसाब से। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और किसी आप लोगों ने देखा होगा जब स्मार्टी भाई वहाँ पर होगलर क्लोन से बात कर रहे थे तो वहाँ पर पीछे से कोई और मारता है जो कि इनविजिबल होकर मार रहा था। तो मेरे हिसाब से वो भी ग्रीन डेविल और रेड डेविल ही होंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि ना हिमलैंड्स में अभी ग्रीन डेविल और रेड डेविल इंटर कर चुके हैं, मतलब मेन हिमलैंड्स के अंदर। क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर स्टैचू बना हुआ था ग्रीन डेविल और रेड डेविल का, वो भी विजर्ड के साथ। तो मेरे हिसाब से जो ग्रीन डेविल है वो हिमलैंड्स के अंदर आ चुका है और वही सब ये चीज़ को कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो आपको क्या लगता है गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना है। मेरे हिसाब से तो वही लोग है जो इस सब चीज़ को कर रहा है। एंड गाइस, अब बात करते हैं हम लोग होगलर क्लोन के बारे में कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा होगा। तो गाइस, मेरे ख्याल से जब ही आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन डेविल रेड डेविल आ चुके हैं, तो उसके एक पोर्टल है जो कि ट्राई पोर्टल बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर तीन पोर्टल्स बने हुए हैं। और आप लोगों को पता होगा स्मार्टी भाई दो पोर्टल्स के अंदर गए हुए हैं, तीसरा पोर्टल के अंदर नहीं गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो तीसरा पोर्टल है उसके अंदर ना उसे किडनैप करके रखा होगा। और तीसरा पोर्टल के अंदर क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं, तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ होगी जो कि अनब्रेकेबल होगा वॉल के अंदर, और उसे ना कुछ ऐसे चीज़ से बांधा होगा जिस वजह से वो टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकता। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आप लोगों ने देखा होगा तीसरे वाले पोर्टल के अंदर अभी तक स्मार्टी भाई नहीं गए होंगे। तो मेरे ख्याल से विजर्ड तो मायावी बंदा है, तो उसने कुछ ना कुछ तो किया होगा इस सभी चीज़ों के ऊपर। तो गाइस, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर आपके पास कोई भी थ्योरीज वगैरह होंगे तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो बाय।